हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की क्लासेस में। आज यूनिट 3 मैपिंग एंड सेंसिंग के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ एरिया की। जी हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया बाय ग्राफिकल मेथड आज हम इसे समझने जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ एरिया, वैसे तो हम किसी चीज़ का अगर एरिया निकालते हैं तो आप जनरली क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर शेप में उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर किसी ऐसे शेप में कन्वर्ट करते हैं जिसका एरिया आपको कैलकुलेशन करना इजी रहे। लेकिन जनरली क्या होता है, जब आपके पास कोई ज़मीन प्लॉट, सिविल इंजीनियरिंग की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो खास करके जब ज़मीन आपको मिलती है तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि वो शेप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या फिर ट्रायंगल या फिर सर्कुलर मिले। ऐसी कंडीशन में आपको एरिया कैलकुलेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पूरे ज़मीन को, उस पूरे लैंड को कन्वर्ट कर लेते हैं छोटे छोटे ऐसे पीसेस में जिससे ट्रायंगल या ट्रेपोजाइडल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ऐसे शेप निकल जाएं जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो, बहुत आसान हो जाए। इस तरीके के न्यूमेरिकल अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो बहुत आसान से न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत इजी गोइंग सॉल्व हो जाते हैं। जनरली जो आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर यूनिट देखने को मिलती है, या तो स्क्वायर मीटर, हेक्टर, स्क्वायर फिट, एकड़, जनरली हम जो एरिया निकालते हैं वो इन यूनिट्स के अंदर निकालते हैं, यार्ड। अगर कहीं किसी यूनिट को कन्वर्ट भी करना है तो इस तरीके से आप देख लीजिए, मैंने यहाँ शो कर रखा है जिसकी मदद से हम कर सकते हैं। एरिया कंप्यूटेशन ऑफ एरिया को दो मेथड से किया जाता है। एक होता है ग्राफिकल मेथड, इसके अंदर भी दो मेथड आएंगे, आगे बात करने वाला हूँ, आज हम ग्राफिकल मेथड पे ही बात करेंगे। और दूसरी होती है इंस्ट्रूमेंटल मेथड, जैसे प्लानीमीटर वगैरह, इन सब इंस्ट्रूमेंट से आप क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। अगर मैं ग्राफिकल मेथड की बात करूँ तो ग्राफिकल मेथड को दो वो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्लॉटेड प्लेन मेथड और दूसरी है फील्ड नोट। हम जो बात करेंगे एरिया ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर या कंप्यूटेशन ऑफ एरिया के अंदर, वो हम फील्ड नोट की बात करेंगे। अभी पहला जो न्यूमेरिकल समझेंगे वो फील्ड नोट्स की मदद से समझेंगे। इसके अलावा प्लॉटेड प्लेन मेथड पे भी सवाल पूछे गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसे भी हम करेंगे। दोनों मेथड में छोटा सा डिफरेंस है, वहाँ हम एक लार्ज पोर्शन को कन्वर्ट कर देते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी इजी गोइंग शेप मिल जाए, और रिमेनिंग बाउंड्रीज को फिर हम क्या कर लेते हैं, ट्रेपोजॉइडल या सिम्पसन रूल ऐसे कुछ मेथड लगा के वहाँ पे इसे निकाल लेते हैं। जबकि फील्ड नोट मेथड के अंदर, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस तरीके से काम किया जाता है। पहला केस डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ एरिया फ्रॉम फील्ड नोट्स। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर फ्रॉम द फॉलोइंग फील्ड नोट्स ऑफ अ चेन सर्वे। आपको कोई चेन सर्वे की मदद से कोई या फील्ड नोट लिए गए हैं और आपको क्या करना है, एरिया निकालना है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर मीटर, और ये वो सारी वैल्यू हैं जो आपने उस सर्वे की मदद से फाइंड आउट करी हैं, निकाली हैं। अब इन वैल्यू की मदद से आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देख लीजिए, आपको कुछ वैल्यू तो आपको दिख रही हैं यहाँ पे मिड में दे रखी हैं, कुछ राइट हैंड साइड दे रखी हैं, कुछ लेफ्ट हैंड साइड, कुल मिला के तीन कॉलम दिए हुए हैं। इनके अलावा एक खास और चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, वैल्यूज के साथ में कुछ जगह पे ए बी सी डी ई एफ इस तरीके की मार्किंग भी की हुई है। मैं बता दूं, ये ए बी सी डी जो भी हैं वो सारे स्टेशंस के पॉइंट हैं, और 0, 10.20, 16.40, 38.20, 52.60, 72.00, ये सारे डिस्टेंस हैं इन पॉइंट्स के लिए। मतलब हमने पहले एक सेंटर लाइन मार्क कर ली और उन सेंटर लाइन की मदद से फिर अलग अलग पॉइंट्स को मार्क करा और इन सबको ज्वाइन करके हमने पूरे उस प्लॉट को, लैंड को कवर कर लिया, और इन मार्किंग की मदद से फिर हमने उसे अलग अलग शेप में डिवाइड करके उसका एरिया निकाला। चलिए मैं आपको एक डायग्राम की मदद से पहले इसे समझाता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे इस डायग्राम में कुछ एक चीजें दे रखी हैं, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। हमने ए से लेके एफ तक के पॉइंट, मतलब ये मिड रेंज की जो लाइन दे रखी है, मिड रेंज जो दे रखी है, इसकी एक सेंटर लाइन यहाँ पे फॉलो कर ली, बीच में एक लाइन बना ली, 0,
देन 10.20, देन 16.40, देन 38.20, देन सिर्फ 52.60 और एंड में 72, जो हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, पहले वाला जीरो वाले पॉइंट का नाम ए था तो मैंने उसे ए नाम दे दिया। दूसरे पॉइंट एफ था, लास्ट वाला जो हमारे पास मिला था, एफ दे दिया। फिर देखिए, जब आप जीरो से 10.2 डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, जीरो से 10.2 डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं, तो आपके पास यहाँ पर जैसे ही आपने 10.2 डिस्टेंस को ट्रेवल करा, तो यहां से राइट हैंड साइड में, कहाँ पे, राइट हैंड साइड में 32 मीटर डिस्टेंस। अब मैं मीटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा सवाल का जो एरिया निकल के आने वाला है वो स्क्वायर मीटर में, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू किसके अंदर है, मीटर के अंदर है। 32 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपको कौन सा पॉइंट मिल जाता है बेटा, बी पॉइंट मिल जाता है। कौन सा पॉइंट मिल जाता है, बी पॉइंट मिल जाता है। जैसे ही हमें यहाँ पे बी पॉइंट मिलता है, तो फिर मैं अगले पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ, वो कहाँ मिलता है, 16.40। तो मैंने पहले ही सेंटर लाइन की मार्किंग कर रखी है, तो मैंने 16.40 वाले पॉइंट पे आया, और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ राइट गया था तो यहाँ अपोजिट क्या, लेफ्ट इस साइड आएगा। इस तरफ 52 मीटर चलने पे सी मिलता है। सिमिलर 38 के बाद हमें 38.20 से 24 चलने पे डी, और 52.60 से 36.45 चलने पे ई पॉइंट मिलते हैं। मतलब ए, हमने बी सी डी ई पॉइंट को निकाल लिया। फिर मैं क्या करता हूँ, ए पॉइंट को बी से, बी पॉइंट को डी से, डी पॉइंट को एफ से, इसी तरीके से एफ पॉइंट को ई से, ई पॉइंट को सी से, और सी पॉइंट को या ए से मैच कर देता हूँ, जिससे मेरा ये प्लॉट क्या हो जाता है, बनके तैयार हो जाता है। और अब इस पूरे लैंड का मुझे एरिया कैलकुलेशन करना है। अब देख पा रहे हैं आप, इसके अंदर कुछ तो मुझे रेक्टेंगल, सॉरी, कुछ तो मुझे यहाँ पर ट्रायंगल के शेप नज़र आ रहे हैं, और कुछ मुझे ट्रेपोजॉइडल शेप नजर आ रहे हैं, जिनकी मदद से मैं क्या करूंगा, एरिया फाइंड आउट करूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया। इसी को हमने क्या कहा गया है, ग्राफिकल मेथड का नाम दिया है। और इस ग्राफिकल मेथड में ये कौन सी वाली केस है, ये फर्स्ट वाला केस है, जिसे आप कहते हैं फील्ड नोट्स, फ्रॉम फील्ड नोट्स। ठीक है, सो अब न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है इसे सॉल्व करना। सबसे पहले मैंने यहाँ एक टेबल बना ली है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे जो टेबल हमारे पास दे रखी है, उसमें मैंने 8 कॉलम बना रखे हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिगर, चेन एज, बेस, ऑफसेट, मीन ऑफसेट, एरिया एंड रीमार्क, इस तरीके से मैंने इसे डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम सीरियल नंबर 1 में फिगर 1 लेते हैं। फिगर 1 क्या है, ट्रायंगल है, तो मैंने फिगर को ट्रायंगल और उसका नाम दे देते हैं ए सी एच। हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए सी एच, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल लिया ए सी एच, और अब हमें उसमें चेन एज बताना है। चेन एज क्या होता है, आपने उस पर्टिकुलर सेंटर लाइन पे कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कराया, कितना आपका पहला और दूसरा वाला पॉइंट था। तो पहला पॉइंट तो आपको स्टार्टिंग जीरो था, शुरुआत में कितना था, जीरो था। एंड आपका जो दूसरा वाला पॉइंट था, जहां आपको स्ट्रेंगल को एंड हो रहा है, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ था, तो दूसरा वाला पॉइंट कहां तक गया है, 16.40 तक। मैं पहले इस वाले फेस को निकाल रहा हूं, आप चाहें तो यहां से सवाल को स्टार्ट कर दीजिए, ट्रायंगल बी जी ए या ए जी बी निकाल लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या करना है, बेस निकालना है। अब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना, ए से एच तक का, डेट इज कॉल्ड योर बेस। तो बेस निकालने का सिंपल सा तरीका है, आप 0 - 16.40 कर दीजिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा 16.40, वो आपका बेस हो गया। देन ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब हमने ए पॉइंट पे हमारी वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट पे तो हमारी वैल्यू जीरो है, ये लाइन तो पूरी की पूरी हमारे लिए क्या है, जीरो ही है ना। तो यहां पे मैंने ऑफसेट कितना लिख दिया, जीरो। एंड दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है, वो कितना है, 52 है, तो मैंने लिख दिया 52। मीन निकालना है, एवरेज, यानी 0 + 52, 52 डिवाइडेड बाय 2 करा तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा यहाँ पे। अब एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है, अगर आपको किसी चीज का एरिया निकालना है, तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जो आपका कॉलम 4 है, यानी बेस क्या है आपका, बेस, इनटू
बेस इनटू जो आपका मीन ऑफसेट है, क्या है आपका मीन ऑफसेट, इन दोनों का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। क्लियर है? तो यहां पे मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये आपके पास वैल्यू आनी चाहिए 426.4। ठीक है। दूसरा, अब हम सेकेंड वाले पॉइंट पे चलेंगे। तो सेकेंड वाला हमारे पास क्या है, पहला निकाल लिया ये वाला ए एच सी निकाल लिया है या ए सी एच निकाल लिया है। दूसरा हम निकालेंगे तो ये ट्रेपोजाइडल है, क्या है ट्रेपोजाइडल है, और एच सी ई जे, ये मैं इसे नाम दे देता हूँ एच सी ई जे। ठीक है, एच सी ई जे। देन इनिशियल पॉइंट मतलब इसका हमें दोनों पॉइंट की वैल्यू लिखनी है चेनेज में, तो कितना है 16.40, 16.40। एंड लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे कितना आया था 52.60, तो मैं लिख देता हूँ 52.60। तो हमने लिख दिया चेनेज कितना कितना है आपका 16.40 और 52.60। तो अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकाल लेना है। कैसे? तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आप क्या करिए 16.40 माइनस 52.60 तो कितना आ गया 36.20। आपका प्लस में या माइनस में आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको पॉजिटिव ही लिखना है। कितना आया है आपका 36.2। क्यों ऐसा क्यों करा, हम यहां तक की दूरी को नहीं काउंट कर सकते, इस लाइन की लेंथ कितना है, बेस कितना है वो आपको बताना है। तो अगर मैं टोटल 52 है इसमें से 16.40 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 36.20। सेम ऑफसेट आपका सी वाला पॉइंट जो यहां पे ये जो डायरेक्शन में मिल रहा है वो 52 मिल रहा है, एंड दूसरा कितना आ रहा है आपके पास 36.45। तो अब आप मीन ऑफसेट निकाल रहे हैं तो दोनों को ऐड करिए, देन डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। दोनों को ऐड करना है, क्या क्या है 52.00 एंड दूसरा कितना है 36.45 प्लस 36.45 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 44.225। तो हम यहां लिख देते हैं 44.225। ठीक है। देन एरिया, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास एरिया जाएगा 1600 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है, मैं 1600 लिख देता हूँ यहाँ पे, देन 1600। इसके बाद हम तीसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो हमारे पास ट्रायंगल थर्ड जो हमने ट्रायंगल ले रहे हैं, तो थर्ड ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है आपके पास जेई एफ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जेई एफ, ट्रायंगल जेई एफ। फिर आपको चेनेज बताना है 52.60 एंड कितना है 72, तो मैंने लिख दिया 72। बेस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, मैं सीधे लिख देता हूँ, मेरे पास निकला हुआ पहले से, तो दोनों का डिफरेंस आएगा आपके पास 19.40, कितना आएगा 19.40। ठीक है। देन आपको ऑफसेट, ऑफसेट कितना कितना है, यहाँ तो है 36.45, वो लास्ट में कितना है 0 है, इस वाले पॉइंट पे तो हमारी वैल्यू क्या है 0 है। ये जो 72 है इसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये डिस्टेंस का 72 है ना, तो यहाँ 36.45 एंड कितना है आपके पास 70, यहाँ कितना है 0। देन आपको मीन निकालना है तो कितना आ जाएगा 36.45 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दूसरी वैल्यू तो 0 है, तो 18.22। एरिया आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 13.22 इंटू 19.40, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 353.46 के लगभग। ठीक है। देन नेक्स्ट, अब अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगेंगे, तो कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, ट्रायंगल एफ डी आई या एफ आई डी। ठीक है। तो इस ट्रायंगल को निकालेंगे, इस ट्रायंगल को निकालने के लिए आपको पॉइंट दिए रखा है 72 चेनेज का एंड 38.20। अगर हम इनका बेस निकालें माइनस करें तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो है 33.8। एंड ऑफसेट की बात करें तो यहाँ पे 0 है ऑफसेट और यहाँ पे है 24, तो मैं लिख देता हूँ 0 एंड 24, कितना है 24। ठीक है। एवरेज निकालेंगे तो 12 आएगा यहाँ पे, देखने से ही पता चल रहा है, एंड इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 405.60।
ये आपके पास एरिया निकल आएगा। फिर वापस से हम चलते हैं, ट्रेपोजाइडल है अगला शेप, ट्रेपोजाइडल। और ट्रेपोजाइडल में भी क्या है, आई डी बी जी ये नाम दे देते हैं, आई डी बी जी, ठीक है। देन आई डी बी जी के अंदर इनिशियल कहाँ से है, 38.20 चेनेज की जो वैल्यू है, एंड दूसरा वाला पॉइंट कितना है, 10.20, तो यहाँ लिख देते हैं 10.20। देन हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 28, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 28 आ जाएगा। ऑफसेट की बात करें तो 24 है पहले पॉइंट पे, मतलब डी पे, एंड बी पे कितना है, 32 है। 22, 32, 56 डिवाइडेड बाय 2, 28 आ जाएगा यहाँ आपका। मल्टीप्लाई करेंगे, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784, ठीक है। देन लास्ट एक और ट्रायंगल है हमारे पास, तो मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल कौन सा है आप ले लीजिए, जी ए बी या जी बी ए बोल दीजिए, जी बी ए। देन यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है, 10.20 चेन एज की, एंड लास्ट कितने जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। सो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10.20 माइनस करेंगे तो, ऑफसेट की अगर बात करें तो 32 एंड 0, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 16। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 163.20, ठीक है। अब ये तो आपने टोटल इस लैंड का कैलकुलेशन कर लिया, मतलब अलग अलग पार्ट में आपके पास यहाँ पे क्या है, एरिया सारे के सारे निकल आए हैं। जैसे ही आपके सारे के सारे अलग अलग एरिया निकल के आए, अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए। जैसे आप इन सारे एरिया को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो इस टोटल फिगर का है, ये जो हमने फील्ड सर्वे करके जो वैल्यू लेके आए थे, फील्ड नोट थे हमारे पास, वो सारे के सारे नोट की जो एरिया की कैलकुलेटिव वैल्यू आएगी वो यहाँ मिल जाएगी। तो आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, सबको टोटल करेंगे 3732.66, वैल्यू एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने चेक नहीं करा, स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये निकल आएगा, एरिया की वैल्यू स्क्वायर मीटर में आएगी, ध्यान रखिएगा एरिया ये सारी की सारी वैल्यू काय में आ रही थी, स्क्वायर मीटर में। आप चाहें तो एक कॉलम यहाँ पे भी इंसर्ट करके और बना सकते हैं यूनिट का, ठीक है। सो ये बहुत आसान से सवाल होते हैं जो 7 मार्क्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं, और इनमें कुछ भी नहीं करना होता, बहुत ईजी वे में ये हो जाते हैं। एक सवाल इसी तरीके का मैं आपको दे रहा हूँ न्यूमेरिकल के लिए, जो आपको 4th मई के आसपास जमा कर दे, 4th मई तक जमा कर दीजिए आप, टिल 4th मई, ठीक है। तो 4th मई तक आप उस क्वेश्चन को असाइनमेंट में सबमिट करेंगे, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे जो एक दो न्यूमेरिकल और हैं वो पूछे गए हैं वो दे देता हूँ। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे गूगल क्लासरूम में या कमेंट करके, यूट्यूब पे कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन बिल्कुल वो मैं दे देता हूँ, 2 सेकेंड दीजिए मुझे।